हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, बीए हॉनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि सर हॉनर्स वालों का भी तो कुछ बताओ, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे, ओनली अब बीए प्रोग्राम और बीकॉम वालों की ही बात कर रहे, तो हमारा भी तो कुछ बताओ। तो इसीलिए फाइनली हॉनर्स वालों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आपकी बुक है पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया, जो आपका एक सब्जेक्ट है, आप देख लेना। उसमें क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है, धर्म निरपेक्षता क्या है और भारत में धर्म निरपेक्षता के क्या क्या महत्व है, तो ऐसे कुछ है, आप देख लेना। तो इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना, नीचे से मैं सारा करा दूँगा, टेंशन वाली बात नहीं है। कंपल्सरी सब्जेक्ट है सारे पॉलिटिकल ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है? तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, देख लेना। और अब की बार जो वीडियो है ये 1000 पिक्सल से भी ऊपर मैं बना रहा हूँ, और इसीलिए क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपकी वीडियो साफ नहीं आती, और कई तो पीडीएफ मांगते हैं। लेकिन पीडीएफ की डिमांड ना करें, रिक्वेस्ट है सबसे, मेरी जो आंसर का जो होता है वो वीडियो फॉर्मेट में ही ज़्यादातर होता है, ठीक है ना? आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं पीडीएफ अगर एक को दूंगा तो औरों के साथ भेदभाव हो जाएगा। मैं चाहता हूँ वीडियो के द्वारा ही आप सारा आंसर अपना कलेक्ट करें, ठीक है? देख लीजिए, आप सारा आपको बता रहा हूँ, ये सारा आपको लिखना है, बहुत बड़ा है। अब मैं धीरे धीरे आपका सारा क्लियर करा दूँगा, पॉलिटिकल के दोनों मेन सब्जेक्ट हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ इंग्लिश में डिमांड ना करें, बेसिकली आप भी हिंदी में लिख लीजिए, क्योंकि दोनों में से आप कोई भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हो, चाहे असाइनमेंट हो चाहे पेपर हो, ठीक है ना? क्योंकि हिंदी में मिल गया वही काफ़ी बड़ी बात है, तो मुझे परेशानी होगी, तो इसलिए आप प्रॉब्लम समझो, ठीक है ना? बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे हॉनर्स वाले स्टूडेंट, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम पे कॉलेज अपडेट्स आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। बहुत बड़ा आंसर है बेसिकली, अभी तो इस तरह बताया है कि क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, भारतीय संविधान था सेकुलर राज्य, क्या क्या होता है राज्य में, इसके क्या क्या विशेषता है, मतलब सब बताना, आलोचना लिख लेना, निष्कर्ष लिख लेना, बस खत्म, यहीं यहीं तक आपको करना है। इसी का वीडियो खत्म, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।